बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फेस्टिव स्पेशल, सुपर डिलीशियस और सुपर इजी, घर में रखे थोड़े से सामान से बहुत ही इजीली रेडी हो जाने वाले केसरी लड्डू, जिनका टेस्ट बिल्कुल मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाला होता है और बहुत ही इजीली कभी भी आप इन्हें रेडी कर सकते हो। देखिए, इसके लिए हमने ले लिया है नारियल। तो हमारे पास ये एक छोटे साइज का नारियल है, तो ये होल नारियल हमने ले लिया है। इसके साथ हमारे पास थोड़ा सा इस तरह से पीसेस में कट हुआ हुआ भी नारियल है। तो ये हमारे पास सारा फ्रेश नारियल है। तो देखिए, इस तरह से हम इसका ऊपर से ये ब्राउन कवर हटा देंगे, इसे पील कर देंगे। आप चाहें तो इसी तरह से बना सकते हैं। और ये देखिए, ये पील करने के बाद हमने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अब आप ये देखिए कि थोड़े से ही सामान से और बहुत ही डिलीशियस से ये केसरी लड्डू रेडी होते हैं, जिनका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही अमेजिंग। तो देखिए, इन्हें छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे ताकि ये आसानी से ग्राइंड हो जाएं। तो ये कोकोनट को हमने पीसेस में कट कर लिया है और ये देखिए, हाफ कोकोनट हम डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। बिना पानी डाले आपको इसे अच्छे से इस तरह से दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए, हमने सारा नारियल अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे देसी घी। तो हम ये देसी घी में बना रहे हैं, आप चाहें तो इसे डालडा वगैरह में बना सकते हैं। तो हम 1 टेबल स्पून इसमें देसी घी डाल देंगे। अच्छा, ये कोकोनट हमारे पास जो होल था वो काफ़ी छोटे साइज़ का था, इसीलिए हमने थोड़े से एक्स्ट्रा पीसेज ले लिए। तो टोटल हमने एक बड़े साइज़ का नारियल लिया है। घी की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा घी डाल के आप इसे बना लें, उससे भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है। और देसी घी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये हम इसे अच्छे से थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे हमें रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा ड्राई कर लेना है कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। देखिए, ड्राई हो चुका है। अब हमने 1 कप तेज़ गर्म दूध ले लिया था और उसके अंदर हमने डाल दिया था सैफ्रन। तो हमने इसमें 1/4 टीस्पून के करीब सैफ्रन डाल दिया था ताकि इसका कलर बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाए। तो ये दूध में हमने पहले से इसे सोक कर दिया था, तो ये हम इसमें डाल देंगे केसर वाला दूध। इन लड्डू में हम किसी इलायची या लौंग वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नारियल का अपना टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आपको बिलीव नहीं होगा कि थोड़े से सामान से लड्डू का टेस्ट कितना अमेजिंग आया है। ज़ाफ़रान से कलर और टेस्ट दोनों बहुत अच्छे आएंगे। तो ये टोटल 1 कप हमने इसमें दूध डाल दिया है। इसके साथ साथ हम डाल देंगे ये मलाई। तो हम मावा वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल मलाई जो आती है। तो ये 2 से 3 टीस्पून हमने इसमें मलाई डाल दी है और इन 2-3 चीज़ों का ही बहुत अमेजिंग टेस्ट आएगा, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए, थोड़ा सा दूध डाल के और मलाई डाल के भी इसे हम ड्राई कर लेंगे। और ये देखिए, हमने डाल दिए इसमें 1/2 बोल शुगर। तो शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। तो 1/2 बोल हमने इसमें डाल दिया शुगर। तो ये शुगर भी पानी थोड़ा सा रिलीज़ करेगी, तो हमें इसे मीडियम हीट पे अच्छे से ड्राई कर लेना है कि ये थोड़ा सा बाइंड होने लगे और लड्डू किसी फॉर्म में आ जाए। इतना आपको इसे अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो थोड़ी देर में ही ड्राई हो जाएगा मीडियम हीट पर। ये देखिए, ये बाइंड होने लगा है। हमने हीट इसकी अब लो कर दी है और लो हीट पर इसे थोड़ा सा हम और ड्राई कर लेंगे, अच्छे से इसे ड्राई कर लेंगे। और कलर देखिए आप, कितना प्यारा आया है, सैफ्रन का बहुत खूबसूरत कलर आया है। देखिए, हमने इसे ठंडा कर लिया है, फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था इस मिक्सचर को हमने, जिससे थोड़ा सा और थिक हो गया। और देखिए, इजीली इसके लड्डू बन जाएंगे। आपको अब जिस भी साइज़ के लड्डू बनाने हैं वो आप बना लें। और देखिए, कितना थोड़े से ही सामान से, घर में रखे हुए सामान से आपने कितने अमेजिंग से लड्डू बना लिए, और वो भी फ्रेश कोकोनट से। तो देखिए, हम ये लड्डू बना लेंगे। हल्का सा हमने हाथों को ग्रीस कर लिया है और इस मिक्सचर से ईजीली हम लड्डू बना लेंगे, मीडियम साइज़ के हम लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, सारे लड्डू हमने बना लिए हैं। तो ये मीडियम साइज़ के हमने लड्डू बना के रख लिए हैं। अब इनकी करते हैं हम गार्निशिंग। तो इस पर हम लगाएंगे चांदी का वर्क, जो कि अच्छी खासी टफ टास्क है, क्योंकि चांदी का वर्क ईजीली नहीं लग पाता है। तो ये देखिए, छोटे छोटे पीसेस में करके हम चांदी के वर्क सारे लड्डू पर लगा देंगे। तो ये देखिए, सारे चांदी के वर्क हमने लगा दिए। अब इनके ऊपर हम थोड़े से चॉप नट्स लगा लेंगे, अपनी चॉइस से आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और पिस्ते, छोटे छोटे पीसेस इनके ऊपर हम रख देंगे। और ये देखिए, कितने खूबसूरत से केसरी लड्डू हमारे रेडी हो चुके हैं, जो देखने में तो अमेजिंग हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग है। देखिए, हम आपको एक दिखाते भी हैं कि कितने सॉफ्ट और अच्छे बने हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला इनका टेस्ट है, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिलीशियस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक क्विक सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।
इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पे ज़रूर वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएं। फिर मुलाकात करते हैं किसी और अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।